వస్తుంది వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేసి మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తున్నారా అందులో డైట్ కూడా చేస్తున్నారా అని అదే ఇప్పుడు కిరంజీ కిచెన్ లోకి వచ్చేసాం మనం బేసిక్ హే కి అచ్చా శురూ సే ఖానా చాలు బహు తక్ జాతే హే ఆ ఫిట్ హీ తక్కి

मोटिवेशन था और किसने आपको सपोर्ट किया है तो मैंने घर में डिस्कशन किया था वो टाइम पे अपने हसबेंड के साथ पर उन्होंने मना कर दिया था मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की उनको बट आई वॉज लिटिल आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे करना है एंड आई जस्ट डन इट बिकनी वेस्कोनी मन बॉडी चूपचो डिफिकल्ट सो so, आप पर्टिकुलर मोमेंट लो व्हेन यू वोर एंड व्हेन यू आर शोइंग योर बॉडी व्हाट वाज योर थिंकिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था डोंट माई सेल्फ कि अगर आज मैंने थोड़ा सा भी मैं झिझक गई या थोड़ा सा भी मुझे शर्म आ गया मतलब लैफ हो गई यहाँ पे तो मैं शायद कंपटीशन में अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगी और अगर मुझे बेस्ट देना है तो मुझे वो शर्म थोड़ी साइड से रखनी पड़ेगी The sports I have shown the path for so many muscle women. Hi, viewers, welcome to I Dream. సో ఈ షో పేరేంటో తెలుసా మజిల్ ఉమెన్ అవునండి బాడీ బిల్డింగ్ సిక్స్ ప్యాక్ అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి అబ్బాయిలే గుర్తొస్తారు ఏ అమ్మాయిలు సిక్స్ ప్యాక్ చేయకూడదా మజిల్ పెంచకూడదా అని ఛాలెంజ్గా తీసుకొని చాలామంది ఇప్పుడు మజిల్ ఉమెన్లా తయారవుతున్నారు మరి వీళ్ళందరికీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరో తెలుసా కిరణ్ డెబ్లా గారు ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసాము ఆవిడ మజిల్ ట్రైనింగ్ జర్నీ గురించి ఫిట్నెస్ జర్నీ గురించి అలాగే మనం ఆడవాళ్ళం స్పెషల్లీ ఇంట్లో ఎలాంటి

సో మామూలుగా ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక డౌట్ వస్తుంది వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేసి మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తున్నారా అందులో డైట్ కూడా చేస్తున్నారా అని అదే ఇప్పుడు కిరణ్జీ కిచెన్ లోకి వచ్చేసాం మనం ఆవిడతో మాట్లాడదాం కిరణ్జీ క్యా బనారాజ్మే బు బంద్ గోబీ <laughs> बंद गोभी गोभी को बंद करने वाले हैं आप हाँ बस सो जनरली सबको डाउट होता है कि फिट uh, रहने के लिए काफी एक्सरसाइज करने से फिट रह पाएंगे या डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या सिंपल एक फंडा होना चाहिए कि थर्टी मिनट वर्कआउट करो अच्छा प्रॉपर और अच्छा घर का खाना खाओ प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करो दैट्स इट Mm. हम बाहर का जैसे ही बंद करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा हेल्थ बनना चालू हो जाता है तो दिस इज यू नो एक मंत्रा है कि घर का खाना खाओ थर्टी मिनट वर्कआउट करो ऑयल थोड़ा बराबर मात्रा में लो कैलोरीज थोड़ा सा ध्यान दो ऑटोमेटिकली mm. आपका हेल्थ बन जाएगा तो so, यूजुअली हम वुमेन को ये प्रॉब्लम होता है हम घर में इतने सारे काम करने के बावजूद बॉडी बढ़ता रहता है यू नो हाउस वाइफ एंड यू नो इवन द वर्किंग वुमेन डोंट यू फील दैट सी एक खाना बनाना वर्कआउट नहीं है <laughs> हम लोग मुझे याद है पहले जमाने में और सब लोग ऐसा बोलते थे कि घर का काम करो और अपना हेल्थ बनाओ हाँ। वही तो आपका वर्कआउट है झाड़ू पोछा बर्तन आई अंडरस्टैंड लेकिन वो एग्जॉस्ट कर देते हैं आपको एग्जॉस्ट वर्कआउट नहीं है mm. ये हमारा काम है मैं जो करना है लेकिन जब हम प्रॉपर वर्कआउट करते हैं तो इसका मतलब होता है हम एक एक बॉडी पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं रिलैक्सिंग होके ध्यान दे रहे हैं सो दैट्स कॉल्ड प्रॉपर वो सिर्फ वर्कआउट को डेडिकेटेड होना चाहिए दैट्स इट तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे करके करेंगे ना फॉलो तो हम अपनी हेल्थ बहुत अच्छी बना पाएंगे इतने सारे काम होने के बावजूद आप एक फिटनेस uh, ट्रेनर है आप एक डीजे है और मैंने सोचा कि आप आराम से घर में बैठते होंगे हमें इंटरव्यू देते होंगे बट यू 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 नो यूर लाइक अ सिंपल हाउस वाइफ यू डूइंग ऑल द खाना का काम एंड एवरी राइट कौन बनाएगा द मेन थिंग इज बनाएगा कौन <laughs> और यू you नो know, बच्चे जो होते हैं ना बच्चों को अपनी माँ का हाथ का खाना और यू you नो know, बहुत ज़रूरी है उनके लिए uh -huh. काम भी करना इम्पोर्टेंट है उनको देखना भी इम्पोर्टेंट है तो अगर हम इसको बैलेंस बना के चलेंगे ना तो हर चीज़ को हम बहुत हैप्पी रख सकते हैं अपने आप को भी रख सकते हैं गिल्टी नहीं होगी कि माँ बाहर काम कर रही है घर में बच्चे देख नहीं रही है या घर का खाना नहीं मिल रहा है तो मैं उसको बहुत बैलेंस करके चलती हूँ घर में बच्चों को भी देखना है और उनके लिए खाना बनाना है बच्चे बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे अभी वैसे भी बड़े हैं लेकिन जब उनकी शादियां हो जाएंगी सब हो जाएंगी अपने जॉब पे निकल जाएंगे तो उनको ये सब नहीं मिलेगा फिर right. वो अपनी दुनिया में तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी टाइम मैं बच्चों को दे सकूँ एक क्वालिटी टाइम जो मदर का होता है सो तो घर में रहो। सॉरी wow.

ट्रेनिंग्स मैंने चालू किए थे तब एक बहुत हे, ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता था वो एक अलग तरह का था क्योंकि तब ऑफलाइन ज़्यादा होता था अब इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं ऑफलाइन में भी तो अभी ऑलमोस्ट सब ऑनलाइन हो गया है और मैं ऑनलाइन ट्रेनर हूँ अराउंड द वर्ल्ड लोगों को ट्रेन करती हूँ मैं, मैं और मैं और मेरी टीम जहाँ तक डे की बात है सुबह सुबह मेरा डे चालू होता है ग्रैटिट्यूड से लोग भूल जाते हैं ग्रैटिट्यूड को उनको लगता ही नहीं ये कोई हेल्थ है ग्रैटिट्यूड ये माइंड का वर्कआउट है हेल्थ माइंड मेंटल हेल्थ उसका मैं बहुत ध्यान देती हूँ ग्रैटिट्यूड करना फिर उसके बाद उठ के फ्रेश होना फ्रेश होकर पानी पीना अच्छे से दो तीन लीटर पूरे दिन में पानी पीना चाहिए डे की शुरुआत उससे होती है उसके बाद मैं एक जिंजर टी लेती हूँ और जॉवर ब्रेड और पीनट बटर लेती हूँ तो आ, उसके साथ आराम से बैठ के सुबह का टाइम पहले मेरा आराम से बैठ के चाय पीने में निकलता है एंड okay. उसके बाद धीरे धीरे करके मैं नाश्ता बनाना खाना बनाना पूरा दिन फिर जिम जाने की तैयारी फिर जो भी मुझे जिम जाने से पहले खाना है सपोज अगर मुझे बनाना खाना है या मुझे एग्स खाने हैं थोड़ा कुछ भी खा के जाती हूँ बच्चों के लिए सब थोड़ा काम करके आप सब आप सब खाना बनाना ये सब आप खुद करते हैं सब है? खुद करती हूँ कौन करेगा <laughs> 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 हमारे यहाँ कोई नहीं और मुझे अच्छा लगता है बच्चों को हमारे हाथ का खाना जितना मिले फ्रेश न्यूट्रिशन जितना मिले उतना अच्छा है बाहर सब कुछ अवेलेबल है लेकिन घर में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट करेक्ट करेक्ट सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई डे और फिर पूरा दिन पर जिम का काम घर का काम रात को फिर वापस आके बहुत थक जाते हैं आप नहीं नहीं मैं फिट हूँ इसलिए थकती नहीं हूँ वेरी वेल सेड सो किरण जी आजकल के लाइक uh, डाइटिंग्स like, बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है वी हेर अबाउट कीटो डाइट एंड इंटरमीडियंट फास्टिंग

कि हम जैसे पैदा हुए थे जो हमारा एक सिस्टम है mm. उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है उसके अगेंस्ट नहीं चलना है mm. ठीक है तो अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो बाउंस बैक करेगा और mm. आप किसी भी तरह की कोई भी डाइट लेते हो वो हमारी बॉडी को सूट नहीं करेगा हमें सिस्टम के हिसाब से चलना है तो मुझे लगता है कि ईट हेल्दी फूड एंड बैलेंसिंग फूड फूड दो तरीके डाइट दो तरह की होती है एक होता है बैलेंसिंग फूड एक होता है ठूस ठूस के खाना राइट right. तो सेम खाना जो दाल चावल सब्जी ये सब आपका हेल्थ बनाता है सेम आपका हेल्थ बिगाड़ता है उसी खाने को अगर आप एक बैलेंसिंग तरीके से खाओगे तो आपका हेल्थ बनेगा और उसी को अगर आप mm. भर भर के खाओगे तो वही हेल्थ mm. खराब करेगा mm. तो मैं इस तर, इसी इस तरह की जो भी डाइट होती हैं कीटो डाइट वाटर डाइट ये वो सब मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूं आई बिलीव अ व वेरी सिंपल हेल्थी लाइफ स्टाइल जो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी बताती हूँ और कोशिश करती हूँ उनको अच्छा हेल्थ दे सकूँ भले टाइम लगे इट्स हो के विदाउट पेशेंस आप अपनी डाइट नहीं बना सकते हो पेशेंस तो आपको चाहिए होगा ये बॉडी है ये हेल्थ है टाइम लगने दो भले धीरे धीरे वो प्रोसेस हो क्योंकि एज भी होती है काफ़ी लोगों का प्रोसेस और ज़्यादा स्लो हो जाता है तो भले टाइम लगने दो लेकिन आप घर का खाना खाओ वेजिटेबल फ्रूट सब्जी सब कुछ खाओ बैलेंसिंग वे में खाओ तरीके से खाओ अच्छी एक्सरसाइज करो और अपना हेल्थ बनाओ सो आई डोंट बिलीव दिस ऑल अदर डाइट्स। बट दिस वन पॉइंट यू आज आज आजकल हम लड़कियाँ स्पेशली वी आर डूइंग हाउस वर्क एंड वी हैव लॉट ऑफ करियर स्ट्रेस एंड ऑल इवन दो इन दैट हेक्टिक डेज यू नो वी ईट वेरी लेस बट ये देर आर अट ऑफ हेल्थ इश्यूज लाइक ओबेसिटी हो रहा है थायरॅड इश्यूज हो रहा है एंड ऑल ऑफ विध ऑल ऑफ दिस गुड डाइट इज बिकमिंग वन मोस्ट स्ट्रेसफुल फैक्टर सी आई अंडरस्टैंड मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को ट्रेन करती हूँ जिनकी नाइट शिफ्ट है जिनका पूरा दिन का शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है पर मैं एक ही बात उनको बोलती हूँ कि अगर ये हेल्थ आप 24 में से अगर 30 मिनट भी नहीं दे सकते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता के लिए कर रहे हैं लेकिन अगर आपका खराब हो रहा है उसके कॉस्ट पे आप ये सब नहीं कर सकते हो right. तो आपको किसी तरह भी हर इंसान अपनी हेल्थ के लिए आधा घंटा hmm. निकाल सकता है दिस इज ऑल अबाउट को कैसे सेट करते हो तो एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए ये है कि हम जिम तक नहीं जा पाएंगे लेकिन घर में शुरू करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे आप आज हमें सिखाएंगे हाँ, लेट्स गो फॉर इट बिल्कुल बिल्कुल, yep. बिल्कुल. आ, ये मैं पुशअप्स बता रही हूँ हम घर में पुशअप्स भी कर सकते हैं आराम से और नी पुशअप होते हैं जो हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं पैरों को नीचे भी रख सकते हैं पैरों को ऊपर भी कर सकते हैं इजी करना है तो ऐसे सिंपल तो किरण जी आपने बताया हर रोज एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है फिटनेस के लिए तो मैं आज आपके साथ एक्सरसाइज करके स्टेप बढ़ाऊंगी थैंक यू सो मच बताइए अच्छा ठीक है आपको सबसे पहले पैर ऐसे रखना है ठीक है और हम बेसिक स्क्वाट्स कर रहे हैं जो कोई भी घर में कर सकता है कोई भी ठीक है जिनको नी प्रॉब्लम है वो चेयर पे बैठ सकते हैं जिसको नी प्रॉब्लम नहीं है वो नॉर्मल कर सकता है जो सबको मालूम है जैसे सिर्फ सिंपल बैठना है और उठना है इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि हमारा जो ये पार्ट है वो किस तरह से काफ़ी लोग गलत है ऐसे करते हैं हाँ। काफ़ी लोग पैरों को ऐसे कर देते हैं अ वेरी सिंपल सिर्फ नीचे बैठना है और सामने देखना है हाथों को ऐसे रखना है सिंपल नीचे बैठना है और उठना है डैट्स इट टू थ्री हमारा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ देख रहे हैं फोर फाइव ये हर रोज सिक्स ये हर रोज नहीं करना है हर रोज में हम लोग पैटर्न्स यूज कर सकते हैं ओके okay. अलग अलग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं हर रोज भी squats करना अच्छा नहीं है नहीं तो नी में ज़्यादा हो जाएगा अच्छा। तो I think हमें में में करना लेकिन चाहिए लेकिन ये butt, improvement, butt, shaping हमारे ले weight ले। loss में भी काम आते हैं Buts, आ, हमारे अच्छे टोन होते हैं हमारे हमारे हैमस्ट्रिंग हमारा पूरा लोअर जो स्क्वाट्स होता है वो किंग है हमारे वर्कआउट का तो आ, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो अगर आप वीक में तीन दिन भी करोगे तो भी चलेगा लेकिन और ये है ना हमारा किंग तो आप तो बताया है लेकिन हमारा रावणा है ये <laughs> तो इसको कैसे कम करें हाँ आ, बहुत सारे लोग ओबिसिटी हैं और आई थिंक 95 परसेंट लोगों का पेट निकला हुआ है और पूरी दुनिया भाग रही है उसके पीछे वेट लॉस के पीछे तो एक बहुत ही सिंपल फंडा होता है डेफिनेटली स्क्वाट्स बहुत काम आते हैं हमारा जो लोअर पार्ट है हम उसकी अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं हमारे वेट लॉस में बहुत काम आते हैं और हेल्थ में लेकिन अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो नहीं कर रहे हो तो सिर्फ इतना होगा कि बैंक में पैसे आप डाल रहे हो और निकाल रहे हो डाल रहे हो और तो निकाल रहे हो तो सिंपल है कि आपको एक्सरसाइज तो करनी है थर्टी मिनट लेकिन उसके साथ साथ अगर आप न्यूट्रिशन भी फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा आपका वेट अच्छा कम होता जाएगा और हेल्थ भी अच्छा बनेगा ओके सो मेन की इज फूड हंड्रेड यस ओके वॉकिंग कर सकते हैं वॉकिंग स्टार्टिंग में अच्छी है कभी अगर हवा खाने के लिए आपको जाना है ठंडी हवा तो वॉकिंग कर सकते हो लेकिन एक्सरसाइज छोटी छोटी हैं एप्स की एक्सरसाइज है या स्क्वाड्स है जो बहुत बड़े बूढ़े लोग हैं जिनको नी का प्रॉब्लम है तो वो लोग थोड़ा स्क्वाड्स थोड़ा डीप स्क्वाड्स और ये सब अवॉइड करें उसमें सिंपल हम चेयर पर लेके खाली बैठ सकते हैं और उठ सकते हैं तो एटलीस्ट वो पार्ट मूव होगा तो उसको अवॉइड ना करें तो छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं एब्स एक्सरसाइज है स्क्वाड्स हैं या वॉकिंग है या साइड्स हैं बहुत सारी एक्सरसाइज घर में है जो हम कर सकते हैं तो अभी तक आप घर में छोटे मोटे एक्सरसाइजेस के साथ हम कैसे हमारे बॉडी को आदत एक्सरसाइज का ये आपने दिखा है लेकिन अगर woman, हमारा शो ही मजल वूमेन है तो मजल वुमेन बनाना है तो बनना है तो वेट लिफ्टिंग एंड डंबल्स ऑल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट सो आप हमें अभी दिखाइए कि किरण जी कैसे एक्सरसाइज करते हैं हाँ। <laughs> 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 हाँ तो

Uh, आपको सबसे पहले ना इतना पीछे जाना है इससे क्या होता है कि एक सपोर्ट मिलता है और आपका बॉडी डिसबैलेंस नहीं होता है एक प्रॉपर पॉस्चर आप उसको मेंटेन कर पाते हो ठीक है तो इसमें सबसे पहले ऐसे करके हाथों को ऐसे रखना है पूरी मसल को स्ट्रेच करना है एंड सिंपली जस्ट आपको ऊपर लेके जाना है और धीरे नीचे लेके जाना है स yes. और आपको पूरा हाथ नीचे तक स्ट्रेच करना है स्पेशली इसका बहुत ध्यान रखना है रिस्ट का कि ये ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए यू हे टू होल्ड प्रॉपर आपका ये हाथ प्रॉपर होल्ड होना चाहिए और ऐसे जाना चाहिए ऐसे आना चाहिए ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है यस yes. पीछे जाइए हाँ ओके okay. सबसे नीचे आपको पूरा नीचे स्ट्रेच करना है मसल को बिल्कुल अभी कोई भी दूसरा वेरिएशन नहीं देना है हाँ सिंपल जैसे, जैसे आप करोगे, तो यूजली घर so, में भी बहुत सारे लोग अमेजोन से यहाँ से वहां से डम्बल्स मंगवा देते है यूट्यूब की वीडियो देख के वो लोग शुरू करते थे hmm. वो अच्छा है या इज इट अ बैड थिंग टू डू अच्छा है अभी कोविड uh, भी है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है या अभी तो थोड़ा कम हो गया है पर स्टिल अगर आप ज़्यादा यू नो ध्यान रखना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अच्छी क्वालिटी देख के और घर में कर सकते हैं और लड़कियाँ आप बहुत ऐप्स बनाना चाह रहे हैं आजकल तो सिर्फ ऐप्स कैसे आई मीन ऑल फिटनेस ट्रेनर्स किचन किचन ऐप्स हमारे किचन में बनते हैं भाइयों बहनों मैं बहुत बता रही हूँ सिंपल एब्स हमारे किचन में बनते हैं आप जितना अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे उतने अच्छे आपके एब्स आएंगे वर्कआउट भले आप 30 मिनट करो लेकिन पूरा दिन 24 फोर आवर्स में आप क्या खा रहे हो और आपके स्टमक में क्या जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप जितना अच्छा न्यूट्रिशन लोगे आपके

समंता का बहुत अच्छा बॉडी है समंता को ट्रेन नहीं किया है मैंने लेकिन आई नो हर एंड समंता का बहुत अच्छा बॉडी है और दूसरा तमन्ना का तमन्ना इज़ वेरी फिटनेस वीक तमन्ना एंड मी सिंस इलेवन वी आर टुगेदर तो uh, उन बहुत डिसिप्लिन है और शी हैज अ बेस्ट बॉडी वाह तो आपका फेवरेट uh, स्टार कौन है ट्रेन करने के लिए क्योंकि जो टाइम पे आते हैं जो तमन्ना <laughs> तमन्ना बिकॉज वो इतनी फिटनेस फ्रीक है और इतनी टाइम एंड शी अंडरस्टैंड कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िटनेस ऑफ ट्रेनर्स इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस बहुत मालूम है कि टाइम से आना है टाइम से वर्कआउट करना है वो शी इज़ वेरी डिसिप्लिन एंड आई लव दैट उनको कभी वो लाइट नहीं लेती है कि हाँ ठीक है वर्कआउट है जो हमें तो करना ही है हमारा तो नहीं वो नहीं वो दिल से फिटनेस को बहुत पसंद करती हैं तमन्ना hmm. तो और टाइमिंग का बहुत ध्यान रखती हैं एंड शी रिस्पेक्ट अलॉट टू ट्रेनर्स एंड पीपल तो दैट्स हाउ आई लव हर सो मच या सो आपने एक्सरसाइज बताया मैं भी बहुत कुछ की हूँ फर्स्ट डे के लिए ये काफ़ी है <laughs> <laughs> तो अभी हम uh, किरण जी के पर्सनल लाइफ के बारे में बैठ के बात करेंगे हाँ श्योर sure. జీ మీరు ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు ఎంత గా ఒక ఫ్రెండ్ ఇంటికి వచ్చినట్టు అనిపించింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వార్మ్ వెల్కమ్ అండ్ ఆల్ అండ్ యూ వెరీ కూల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి చాలా తెలుసు ఒక టెన్ ఇయర్స్ హౌస్ వైఫ్గా ఉన్న తర్వాత ఇంట్లో ఆ స్టాగ్నెంట్ మూమెంట్లో మీరు ఒంట్లో బాలేక ఎక్కువ ఆలోచించేసి డిప్రెషన్ లాగా వచ్చింది ఆ తర్వాత యూ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ యూ సో అలా ఇప్పుడు చాలామంది ఉమెన్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఇంట్లోనూ కూడా చూసుకుంటున్నారు కానీ అదే లైఫ్ స్టైల్లో స్టాగ్నెంట్ అయిపోతున్నారు సో ఇలా పీపుల్ ఆర్ వెరీ మచ్ స్ట్రెస్ఫుల్ సో వాళ్ళు అంటే మీరు ఎలా అయితే బయటకు వచ్చారో అలా రావాలంటే నవ్వు యువర్ డీజే యువర్ ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ యువర్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ దేర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో దీని అంతటికీ ఫస్ట్ మోటివేషన్ ఏంటి जब आपकी तबीयत ख़राब होती है और हेल्थ ख़राब हो जाती है ना ऑटोमेटिकली जब आपके पास एक अल्टीमेटम आ जाता है कि आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकता तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें चालू हो जाती हैं क्योंकि आपको हेल्थ अच्छा करना है तो धीरे धीरे करके जब मैंने भी एक्सरसाइज चालू की थी तो वो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता गया कि अगर इतनी अच्छी हेल्थ हो रही है और इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए देखते हैं आगे क्या होता है तो इस तरह से मैं काफ़ी पढ़ती थी काफ़ी यूट्यूब देखती थी बहुत धीरे धीरे करके देखना चालू किया ये बॉडीज़ कैसे बनती हैं वो एक मोटिवेशन आता गया अंदर ही अंदर और क्योंकि अपना हेल्थ भी अच्छा बन रहा था और इस तरह से यू नो दैट्स हाउ आई गॉट द मोटिवेशन और मैंने उसको आगे बढ़ाया लेकिन जब आपने ये फिटनेस को आपने बहुत सीरियसली लिया है उसमें उस टाइम में एग्जाक्टली exactly. अब टाइम लोग वुमेन फिटने ट्रैनर्स का वुमेन मजल बिल्डम का असल ट्रेंड लेनी कम नैगेटिविटी फेसूर कदा बहुत ज़्यादा वो टाइम पे वेनाया स्टार्टर इन टू टू थाउजेंड सिक्स वहाँ पे तब इतनी आ, तब इतना फिटनेस इतना ज़्यादा नहीं था और मसल वुमेन तो जो बोलेंगे मजिल्स जो हम बनाते हैं वुमेन्स में स्पेशली बिल्कुल नहीं था दिस इज़ ऑलवेज़ मेल डोमिनेटेड यू नो फील्ड जिम कि लड़के लोग ही करते हैं uh, बहुत सारे बैटल्स uh, भी आए थे बहुत सारे यू नो नेगेटिव लोग बात भी करते थे लेकिन जब आप क्लियर हो कि आपको लाइफ में क्या करना है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ फर्क पड़ता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और आप करते चले जाते हो तो देट्स स्लोली मैंने यू you नो know, इस तरह का बॉडी बनाया और आई लव डिट हाँ पैशन से बॉडी बनाना एक चैलेंज है एक हाउस वाइफ होने के बावजूद बिकॉज ऑल्सो फैमिली पीपुल ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग एंड से राइट एंड वुमेन चैम्पियनशिप में जाना दैट इज अगेन एनअर स्टेप टू यू सो वो जर्नी में आपका कौन सा मोटिवेशन था और किसने आपको सपोर्ट किया है बिकॉज दैट इज हाउ यू बिकेम द मोस्ट फेमस मजल वुमन जब मैंने ये आ, मैंने एक्चुअली अपना बॉडी चैम्पियनशिप के लिए एक्चुअली नहीं बनाया था वेनावर्स थर्टी सेवन लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को ही चैलेंज करना चाहती थी देखना चाहती थी कि किस तरह से एक बॉडी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं एंड वो बॉडी बनाने के बाद अमेरिकन अपना इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने मेरा बॉडी देखा था आ, सोशल मीडिया में आया था तब सोशल मीडिया थोड़ा सा चालू हो रहा था फेसबुक था वो टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप में एंड दैट्स how दे आस्क मी कि किरण नवंबर में ऐसे ऐसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रहा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट करो तो मैंने घर में डिस्कशन किया था वो टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ पर उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि हमारे यहाँ ये सब कल्चर नहीं है hmm. स्टेज पे विकनी ये वो पर सम हाउ आई वॉज लिटल स्टर्बर्न और uh, मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की उनको कि एक स्पोर्ट्स है एंड uh, तब भी उनकी हाँ नहीं थी हाँ नहीं थी और ना भी नहीं थी वो स्क् क्वाइट्स उनके सब बट ई वॉज लिटिल वेरी क्लियर की मुझे आप एक बार सोचिए एक सिंपल से लड़की शादी होके बच्चे होने के बाद एज अ वुमेन इट्स क्वाइट अ चालेंज इन्हों काफ्लिक्स बहुत होते हैं सो और बिकनी वेसको मन बाडी चूप्चमने कोई डिफिकल्ट सो आ पर्टिकुलर मूमेंट लैन यू ओर एंड वेन यू आर शोइंग युअर बाडी वट वॉज योअर थिंकिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था फर्स्ट टाइम क्योंकि हम नॉर्मली अपने आप को बिकनी में आईने में नहीं देख सकते देख सकते हम औरतें कपड़े वपड़े चेंज करते हैं अपना चुपचाप अब ख़ुद को नहीं देख पाते हैं और वो स्टेज पे बिकनी पहनना और सब लेकिन कहीं वो एक करेज आ गया था अंदर से एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि अगर आज मैंने थोड़ा सा भी मैं झिझक गई या थोड़ा सा भी मुझे शर्म आ गया मतलब लैक हो गई यहाँ पर तो मैं शायद कंपटीशन में अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगी और अगर मुझे बेस्ट देना है तो मुझे वो शर्म थोड़ी साइड से रखनी पड़ेगी एंड थिंक दिस इज अ स्पोर्ट्स और यहाँ पे जितने भी लोग हैं आपके जैसी हैं बहुत सारी स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट जो सपने वो बिकनी पहना हुआ है एंड यू हैव टू जम्प सो इस तरह की मैं थॉट्स लेकर आई अपने दिमाग में एंड आई कम्पीट हाँ फिर आपने बहुत सक्सेसफुल रहा है बहुत सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है और आ, स्टार्टेड सम बहुत लड़कियां चाला मंद की मजिल बनाना uh, सबको अच्छा लगता है बहुत सारे लड़कियों को लेकिन वो लोग फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे थे एंड यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर दैट सो यू हैव शोन द पाथ फॉर सो मेनी मजल वुमेन एंड और एक बात है कि आपने वहाँ रोका नहीं है hmm. आपने और एक्सप्लोर किया और डीजे जे बनाए अब अभ, अभी डीजे बन गए आप और uh, फोटोग्राफर बन गए तो ये सब क्यों मतलब एक यू नो जनरली एक फील्ड में हम अच्छे करते हैं हम बच्चे भी हैं अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं यू नो स्पेशली वुमेन चलो बहुत कुछ कर लिया थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे तो ऐसा हो जाता है ना यूजुअली, तो आप अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं आप अभी भी पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक आप अपने आप को बहुत बिजी रहते रखते हैं सी लाइफ इज़ ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी अगर लाइफ में क्रिएटिविटी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आ, आप कुछ कर सकते हो क्रिएटिव जितना होगा उतना खूबसूरत होगी हम बहुत ज़्यादा बहुत कुछ यू नो एक एक्सपोजर एक मिलेगा आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में तो आप जो काम कर सकते हो आप उसी को ही करो मुझे पता था कि मैं म्यूजिक में बचपन से थी तो इसमें कुछ नया नहीं।, नहीं है मेरे लिए आई एव हाईस्ट डिग्री ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक एंड आई 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 लर्न म्यूज़िक एंड ओल्ड फर्स्ट सॉन्ग सो ऑर्केस्ट्रा सिंगर तो मुझे लगता है कि म्यूजिक बचपन से था वो बीच में ब्रेक हो गया था फिर ये हेल्थ का इशू हो गया वापस से म्यूजिक आ गया म्यूजिक तो हमेशा से ही था तो जब मैं 42 की थी तब मैंने ये प्रोफेशन क्योंकि मैं क्लासिकल चालू नहीं करना चाहती थी मैंने कहा नहीं अभी गाने के साथ साथ थोड़ा सा फाइनेंशियली भी देखना है कि क्या अच्छा हो रहा है क्योंकि एंड ऑफ दी डे वी ऑल आर वर्किंग फॉर मनी पैशन के साथ साथ तो मैंने कहा इस फील्ड में अच्छा है और हो सकता है कि मैं कुछ कर जाऊँ एंड दैट्स आओ आई लर्न डी और मैंने सक्सेसफुली यू नो आई एम प्लेइंग तो यहाँ पे अगेन आपके पास फिर से एक चैलेंज हो गया था क्योंकि एक ट्रेडिशनल फैमिली से डीजे बनना वो yeah. भी पहले बात सब आपको यही कहेंगे कि आ, तुम तो माँ इट यस ये बहुत आप नहीं सुनते हैं yeah, बहुत बहुत जब मैंने आ, फिटनेस चालू किया था तभी मेरे घर में ही सबने बोला था कि अभी तुम तुम्हारे पास सब कुछ है आ, घर है परिवार है बच्चे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर तुम्हें तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है आराम से घर में बैठो रिलैक्स करो खाना वाना बनाओ झाड़ू पोछा लगाओ घर का ध्यान दो तुम्हें तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है तो हर इंसान के अपने अपने थॉट होते हैं अब हमारे बड़े हैं वो वैसा ही सोचते हैं लेकिन आज दुनिया बहुत बदल गई है आज आज की जो नारी है कहूँगी आज जो विमेन है वो कुछ करना चाहती है लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है अपने अपनी लाइफ में खुद कहीं स्टैंड होना चाहती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं लाइफ में वी आर नॉट ओनली द वाइफ और मदर और यू नो हमारे सिर्फ यही रिलेशन नहीं है बट हमारा एक नाम है जो सिर्फ हमारा है आई एम किरण वॉट आई एम किरण एक एक ऐसी इंसान है जो मतलब मैं कहाँ खड़ी होती हूँ एंड टच वुड गॉड ग्रेस इन सत्रह सालों में मैंने एक वो नाम जो भी भगवान की दया से जो भी अचीवमेंट किए हैं और जो कमाया है नाम आज लोग किरण डिमला को जानते हैं

నవ డే అ లాట్ ఆఫ్ బహుత్సారే లడికి చాలా మంది అమ్మాయిలు ఫిట్నెస్ ఫ్రీస్గా ఉంటున్నారు సిక్స్ ప్యాక్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ కూడా చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు సో యాజ్ అ కెరియర్ హౌ ఇస్ ఇట్ గుడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ మెన్ ఇన్ టు అట్ ఫిట్నెస్ ఇండస్ట్రీ మే కెసా అగర్ ఆ బాత్ డోంట్ రన్ బిహైండ్ ద మనీ ఫస్ట్ लोगों को लगता है हम ट्रेनर बन जाएंगे फिटनेस में हैं सबका एक ही मोटिव रहता है हम सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करें हम मतलब सबका एक सपना रहता है कि हमें करना है फिर लोग पैसे के पीछे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा भागते हैं उनको लगता है कि हम कर लेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे लगता है कि आप पहले पैसे के पीछे मत भागो पैसा अपने आप आ जाएगा लेकिन सबसे पहले इसको एक पैशन बनाओ और लोगों को ट्रेन करो लोगों को जानो उनके बॉडीज़ यू you नो know, प्रॉपर प्रॉपर वे में रीड करना एक एक पैशनेट तरीके से उनको ट्रेन करो एक फिटनेस को एक यू you नो know, मेरे लिए तो जिम एक मंदिर है मेरे लिए पूजा है मेरा काम मनी तो बाद में अपने आप आ गया पहले तो मनी नहीं था मेरे पास कुछ भी मैंने फ्री में भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स किए हैं तो मैं घंटों घंटों खड़ी रहती थी मुझसे कोई ट्रेन नहीं करता था बिकॉज आई वॉज अ फीमेल फिटनेस एक्सपर्ट उन लोगों को लगता है कि फीमेल ट्रेन नहीं कर सकती एक ज़माने में अभी तो सब कुछ बदल गया है तो मैंने वहाँ से शुरुआत की थी लेकिन इसको अगर करियर बनाना है तो बहुत अच्छा करियर है लेकिन अगर आप इसको एक पैशन के जैसे ले लोगे तो आप बहुत आगे बढ़ पाओगे लेकिन शुरू से ही अगर आप ये सोचोगे कि मुझे पैसे चाहिए मुझे पैसे चाहिए तो वहाँ एक लिमिटेशंस हो जाती हैं और आप कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे सो आई थिंक इट्स अ गुड करियर और लेकिन इसे पैशन बनाना पड़ेगा बिकॉज ये इस तरह से ही ग्रो करता है hmm. तो यूजली ऐसा मिथ है और सोसाइटी का ऐसा सोच है तो आप बताइए कि लड़के मजल वूमन को कैसे ट्रीट करते हैं लड़का जैसा ट्रीट करता है और यू नो गर्लफ्रेंड बनाने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं क्या ये सच है डेफिनेटली uh, मैंने ऐसा बहुत सुना भी है और uh, मुझे तो पता नहीं है ये गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड की जो क्या भाषा होती है बिकॉज आई एम नॉट इन इट बट मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेन करती हूँ सुनती हूँ एज अ वेमेन मैंने बहुत देखा है कि यस uh, yes, बहुत सारे लड़कों को मजल्स वमेन में नहीं चाहिए होती हैं उनको लगता है कि नहीं औरत ऐसे अच्छी ठीक है तुम फिट रहो हेल्दी रहो पतली रहो एक लड़की के जैसी दिखो लेकिन आदमियों के जैसे इतने इतने यू नो मसल क्योंकि आदमियों का ही माना गया है तो वो हमको पसंद नहीं आते हैं बिल्कुल तो, uh, तो आप बताइए जब आप मसल बनाए थे हाउ इज यसली उन्होंने Uh, वो बहुत ज़्यादा कुछ यू uh, नो you know, मैं एक लाइफ uh, में ऐसी अचीवमेंट्स और ऐसी सक्सेस या ऐसी जगह पे पहुँच गई थी काम करते 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 कि शायद फिर ये सब चीज़ें इतनी मायने नहीं रख रही थी उनके लिए उनको सिर्फ यही समझ में आता था कि याशी इज़ डूइंग गुड दैट्स इट और uh, हम लोग बच्चे तो हैं नहीं अब इतने बड़े हो गए हैं हमारे ख़ुद के बच्चे हैं तो uh, उतना ज़्यादा उन्होंने कभी इंटरफेयर मतलब इंटरफेयर नहीं किया उन्होंने बोला था ठीक है छोटी छोटी जो घर की चीजें हैं सब है वो तो चलता ही रहता है हर एक में आ. पर पर्टिकुलरली इस चीज के लिए उन्होंने इतना कभी नहीं कहा कि मजल्स क्यों हैं ये है क्यों हैं वो उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला बट इम्पोर्टेंट इज कि हाँ एक औरत है जो अपने घर का ध्यान दे रही है बच्चों का ध्यान दे रही है खाना टाइम से मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है दैट्स इट ये पॉइंट में मैं एक बात पूछना चाहती हूँ हम कितना भी सक्सेसफुल हो जाए मैन के तरह You know, equally भी बन जाए बट लड़कियों के ऊपर ये रहता रहता है, है, लड़कों के ऊपर नहीं सोसाइटी इज नॉट चेंजिंग थॉट प्रोसेस दैट घर का सब कुछ लड़की को ही देखना है आज भी वो चेंज नहीं हुआ है hmm. Trust me. आज भी मैं तो आज भी अपने आप को वहीं पाती हूँ काफी चीज में कि आदमी कमाता है और औरत घर का काम करती है यही सदियों से चला आ रहा है और आज की तारीख में भी आ, मैं कहूँगी 75 फाइव परसेंट ऐसा ही होता है कि औरतों को ही अपना जॉब छोड़ना पड़ता है बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे हैं उनको माँ की ज़रूरत है घर घर देखना है खाना बनाना है आदमी नहीं करेगा वो तो मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ ये ठीक है बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है लेकिन ये आपसी बैलेंस और समझ की है कि कभी अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये पति को समझने की ज़रूरत है फादर को समझने की ज़रूरत है कि ओके ठीक है आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा आज मैं बच्चे को देखूँगा वो ज़िम्मेदारी पूरी करूँगा तुम ऐसे करो तो ये बैलेंस है और कुछ नहीं है अगर दो इंसान बैलेंस कर लेते हैं समझ लेते हैं तो मुझे लगता है लाइफ बहुत अच्छी निकलने लगती है तो ये चीज़ आज भी है और हमेशा चलती रहेगी मैं 100 परसेंट से 75 परसेंट हो गई है 75 परसेंट से 25 भी हो जाएगी लेकिन ये कभी जाएगी नहीं वो जो एक सदियों से चला आ रहा है कि आ, औरत को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और वो करने पड़ेंगे एंड दैट्स हाउ दिस सोसाइटी इज़ और uh, पर यह है कि आज आज की नारी जाग गई है और अब तो इतने यू नो करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गए हैं पहले ये नहीं था जब अब नाइन्टी सेवन में जब मेरी शादी हुई थी हमारा सिंपल होता था कि बीए कर रही है लड़की बीकॉम जो भी कर रही है शादी करनी है लड़का ढूंढना चालू कर दो शादी हो जाएगी घर गृहस्थी संभाले बच्चे देखे वो उस टाइम पर मैंने जब शादी की थी तो ऐसे ही था हमें जॉब कुछ भी बाहर कुछ करने की परमिशन नहीं थी और पहले से ही हमें था कि लड़की जॉब नहीं करेगी मैं तो वैसे भी नहीं करती थी इतना लेकिन धीरे धीरे आज चेंज हो गया है आज लड़का भी कमाता है लड़की भी कमाती है तो मुझे लगता है कि लड़कियां फिर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती हैं कि मैं भी तो सब कर रही हूँ तो right. तो उनको एक वो आ जाता है अंदर से लेकिन Because मुझे like लगता है टायर्ड ऑल्सो कितना अकेले कर करके थक जाते हैं कितना करेंगे कमा तो दोनों रहे हैं लेकिन Correct. एक ही के ऊपर फिर डबल जिम्मेदारियां क्यों हैं ये चीज दोनों को देखनी है साथ में लेकिन आज भी पूरी तरह से कुछ बदला नहीं है आज भी वही थिंकिंग है बहुत सारे लोगों की सबकी नहीं कहूँगी लेकिन दैट्स हाउ वी आर मैनेजिंग और जो है हमें वैसे ही चलना है राइट right. तो आपने फिटनेस थर्टीज uh, में शुरू किया है सिक्स पैक yeah. भी आप सेवन मंथ्स में आफ्टर थर्टी फाइव एन यू आर व्हेन यू हैव सिक्स पैक यू आर थर्टी फाइव प्लस नॉट थर्टी से थर्टी सेवन राइट सो आजकल के खाने के ट्रेंड्स बहुत बदल गए हैं और बहुत न्यूट्रिशन घर में भी ना खाते हैं बाहर भी नहीं खाते हैं तो ऐसे टाइम में वुमेन अगर थर्टी फाइव थर्टीज एंड फोर्टीज़ में फिट होना चाहते हैं या सिक्स पैक बनाना चाहते हैं या मजल वुमन बनाना चाहता है क्या ये पॉसिबल है हंड्रेड परसेंट पॉसिबल सी हम अपने माइंड का दिस इज़ ऑल अबाउट द माइंड Hmm. आपने अगर अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो आप एवरेस्ट चढ़ जाओगे लेकिन सिर्फ माइंड को प्रिपेयर करना है आप हमारा विजन क्लियर होना चाहिए हमें क्या करना है हमें फोकस करना है हमें क्या अच्छा हमें सिक्स पैक बनाना है तो पूरा ध्यान लगा दो इस सिक्स पैक के लिए मुझे क्या क्या चाहिए ओके okay, मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है मुझे न्यूट्रिशन क्या फॉलो करना पड़ेगा इतने महीने मुझे वर्कआउट कैसे करना पड़ेगा इसके बीच में क्या क्या बैटल्स आएंगे उनसे मुझे कैसे फाइट करना है स्पेशली मदर्स को बहुत बैटल्स आते हैं अगर वो करना चाहती हैं तो हेल्थ इश्यूज बीच में बहुत आ जाते हैं तो हमें इस सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए hmm. तो अगर आप अपने माइंड का वर्कआउट कर लो ना तो आप चांद पे भी पहुंच जाओगे मेरी दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से होती है लोगों लो को मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बताती हूँ आज मैं ऑनलाइन ट्रेनर हूँ और अराउंड वर्ल्ड Uh, मैं लोगों को ट्रेन कर रही हूँ मेरे 95 परसेंट स्टूडेंट्स सब यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया कराची पाकिस्तान अलग अलग जगहों से हैं मैं सिंगापुर सब ट्रेन करती हूँ और इंडिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे मदर्स बहुत हैं मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ और यहाँ भी बोल रही हूँ कि हम हमारे डे की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से होनी चाहिए हमको लगता है ये हेल्थ का एक पार्ट नहीं है लेकिन ये हेल्थ का बहुत बड़ा पार्ट है वैन यू ग्रैटिट्यूड आप सुबह उठ के उससे एक मेंटल पीस आता है कि हमारे पास जो भी है उसके लिए थैंक यू क्योंकि अगर भगवान चाहे तो हमारी सांस रोक दे आज हम सुबह उठ के जो एक अच्छा दिन देख रहे हैं हम हमारी आंखें खुली हैं हम जाग पाए हैं तो वो भगवान की मर्जी से True. कि वो चाहता तो हमें उठने ही नहीं देता हम हम सोते ही रहते लेकिन अगर हमने एक दूसरी सुबह देखी है इसका मतलब है ग्रेटिट्यूड थैंक यू सो मच कि हमें सुबह देख पाए हमें नहीं पता कब क्या होगा तो दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करती हूँ मैं फिर मेरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणायाम की इम्पोर्टेंस कोई नहीं समझता है लेकिन आज भी जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या क्रॉसफिट uh, हो या किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज फॉर्म हो लेकिन मुझे लगता है कि प्राणायाम का स्थान ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का स्थान हमेशा ऊपर रहेगा उसके बाद सब कुछ चालू होता है hmm. तो uh, प्राणायाम की प्रैक्टिस मैं बहुत साल से कर रही हूँ भगवान की दया से आई एम हेल्दी एंड हैप्पी स्ट्रेच उसके बाद फिर मेरा दिन शुरू होता है सारा एक्सरसाइजेस uh, फिर घर का काम फिर सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माय डे सो इन दिस होल जर्नी यू हैव सीन मेरो चाला अप्स लोज चला चूसर एंड यू हैव योर सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड योर किड्स एंड एस्पेसियो वॉट वॉट टर्न आउट टू बिकम अ सिंगल वुमन नाउ आई एम अ सिंगल मदर डेफिनेटली इट्स बीन अ आई एम सिंगल मदर नथिंग रॉन्ग अगर मुझे लगता है कि दो लोग अगर यू नो समाइम कहावत ही कभी कभी दो अच्छे लोग भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं एंड दैट्स हाउ वी डिसाइडेड टू सेपरेट और आई एम हैप्पी सब कुछ अच्छा है बच्चे मेरे साथ ही हैं एंड आई मेड दिस हाउस फॉर मी एंड माई किड्स एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल थैंक यू सो मच तो ये घर हमने बनाया है और हमारे घर का नाम भी पीस है तो एंड ऑफ दी डे फॉर फॉर मैं क्या सोचती हूँ कि जिंदगी में हम जब आए हैं इस इस धरती पर अगर हमने जन्म लिया है इंसान का तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है पीस एंड हैप्पीनेस करेक्ट तो मुझे लगता है कि हम जब भगवान के पास जाएँ तो हेल्दी पीसफुल और शांति से और हैप्पीनेस से जाएँ तो मुझे लगता है कि आई डिसाइडेड टू बिकम सिंगल मदर और नाउ आई एम सिंगल और हैप्पीली आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स और मेरे बच्चे हैं बेटी ट्वेंटी थ्री ईयर्स की है और शी फिनिश्ड हर ग्रेजुएशन माई सन ही इज़ नाइनटीन ईयर्स ओल्ड ही इज़ इन बैंगलोर ही इज़ डूइंग होटल मैनेजमेंट सो आज मैं बहुत आज भी मेरा वही आ, पूरा मेरा रूटीन चलता है सुबह उठ के मेरी लाइफ सिर्फ अब इन दो बच्चों से जुड़ी हुई है कि सुबह से रात तक सिर्फ आ, बच्चों का ध्यान देना काम करना घर का काम करना अ मैं बहुत डिसिप्लिन वुमेन हूँ बहुत ज्यादा मेरे आज भी वही जो बेसिक जो एथिक्स होते हैं वो मेरी लाइफ सिर्फ ये घर और मेरे दो बच्चे हैं और मैं इसमें ही बहुत खुश रहती हूँ। परो हैदराबाद लो मसल वुमेन ट्रेंड अलग है आर वुमेन willing to make सिक्स पैक और willing टू बहुत ज्यादा बहुत Uh, मैं काफ़ी लोगों को ट्रेन करती हूँ तो औरतें स्पेशली वो लोग लो मुझे यही बोल के कि हमको सिक्स पैक चाहिए हमको टोन ऐप्स चाहिए और डेफिनेटली uh, वो बहुत ज़्यादा है पर मैं हमेशा जब भी ट्रेन करना चालू करती हूँ तो सबके बॉडी के, के सबका हेल्थ अलग अलग है उसके हिसाब से सब देख के आई ट्राई कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं तो आपके ट्रेनिंग सेशंस कैसे होता है और uh,

तो उनके लिए मैं ऑनलाइन ट्रेनर हूँ और मैं तीन चार साल से ट्रेन कर रही हूँ कोविड के बाद से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चालू किया था एंड गॉड ग्रेस मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं दे आर लाइकिंग माई ट्रेनिंग पैटर्न जो भी है जितना भी मैं कर पाती हूँ हेल्थ के लिए तो uh, मेरा सोशल मीडिया में सब कुछ रहता है आर्टवर्क है वहाँ पे सब एडवर्टाइजमेंट रहता है और वो लोग मुझे मेल करते हैं फिर हमारी टीम उनको जवाब देती है एंड दैट्स सा उनको सब पसंद आता है एंड देन आई स्टार्ट दनलाइन ट्रेनिंग अभी मेरे वीकेंड बैचेज़ हैं जो सैटरडे संडे हैं जो हाउस वाइफ हैं बहुत सारे लोग इनको वीकडेज में टाइम नहीं मिलता शेड्यूल है हेक्टिक तो वो लोग वीक वीकेंड्स पे मॉर्निंग एक बैच है जो मैं अभी फिफ्थ से भी चालू कर रही हूँ फिफ्थ मार्च से फिफ्थ सिक्स तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो एटलीस्ट उनको uh, एक बेसिक यू नो नॉलेज आएगा और एटलीस्ट आप थोड़ा तो हेल्थ बना पाएंगे तो इस तरह से मैं पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग इस्पेली वेट लॉस का बहुत ज़्यादा होता है मैं वेट लॉस को ज्यादा क्योंकि मसल्स बनाने के लिए और बहुत सारी चीजें करने के लिए बहुत सारे लोग सब अलग अलग ट्रेन कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो ह्यूज प्रॉब्लम है हमारे यू you नो know, हर जगह पूरे वर्ल्ड में वो है तो मैं वेट लॉस पे ज्यादा ध्यान दे के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ अच्छा आपके एक्सरसाइजेस रूटीन कैसे आप इंक्लूड uh, करते हैं कार्डियो एंड वेट लिफ्टिंग एंड यू ऑल्सो इंक्लूड योगा प्राणायाम एज यू सेवरी थिंग इज एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड रहता है मेरी ट्रेनिंग्स में मैं खुद भी जैसा करती हूँ वैसे अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में डेफिनेटली थोड़े से restrictions होते हैं ट्रेनर के लिए कि हम बहुत सारी चीजें नहीं दे पाते हैं तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ वर्कआउट सिंपल हो तकलीफ नहीं हो अपने स्टूडेंट से बात करते रहना उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना उनको मैंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि ठीक है आप मुझे ट्वेंटी फोर आवर्स में अगर आप मैसेज करते हो तो मैं आप तक रीचेबल हूँ डेफिनेटली स्टूडेंट्स की रिस्पॉसिबिलिटी होती है कि उनको भी ध्यान देना पड़ेगा सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा एट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग बट Uh, सब कुछ इंक्लूड होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपका मेडिटेशन uh, योगा uh, सब कुछ कहाँ कैसे बैलेंस करना है वो मैं सब अपने स्टूडेंट को बताती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनकी हेल्थ बना पाऊँ और उनको उनके गोल तक पहुँचा पाऊँ तो हमारा शो है मज़ल वुमेन तो वी हैव स्टार्टेड दिस विथ यू एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एंड आप अगर अभी जो मज़ल वुमेन बनना चाहते हैं तो आपको आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को गो फॉर ट्रस्ट में वो एक अजीब सा आप सब साइड से रख दो लेकिन अजीब सा एक कॉन्फिडेंस जो आता है ना उसका उसको हम उसका कोई तोड़ नहीं है हम जब बॉडी बनाते हैं और एक जो कॉन्फिडेंस आता है वो वो हमें बहुत काम आता है अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट इट तो गो फॉर अच्छे से करिए और अच्छे से ट्रेनिंग करिए अच्छा न्यूट्रिशन रखिए और बहुत मेंटल पावर बहुत ज़्यादा चाहिए जब आप इस तरह की बॉडी बनाते हैं आपका मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है और माइंड का वर्कआउट बहुत इम्पॉर्टेंट है वो करेंगे तो आराम से आप कंपटीशन कर सकते हैं और आपको जैसा चाहिए आप बॉडी बना सकते हैं तो आपने तो बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है और बहुत सारे लोगों को देखे भी हैं तो टॉलीवुड में बहुत क्लोजली आपने बहुत सालों तक बहुत सेलिब्रिटीज के साथ काम किया तो हु इज योर फेवरेट हीरो बॉडी में प्रभास प्रभास इज़ समथिंग डिफरेंट आप सब साइड से रख दो लेकिन इज अ ग्रेट ह्यूमन इज वेरी होमली और एकदम इज सो लवेबल सो हम्बल मैं काफ़ी टाइम से नहीं मिली हूँ लेकिन आ, एक बहुत लंबा टाइम हम सब लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग में निकाला है और मुझे पता है ही इज़ वेरी हम्बल द वे ही रिस्पेक्ट इस्पेली वो उनका जो रिस्पेक्ट करने का तरीका है जो आ, वो एकदम दिल को छू जाता है तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके दोस्त उनके ट्रेनर उनका ड्राइवर उनका खोख उनका सब ही रिस्पेक्ट अलॉट और वो इसीलिए उनको डालिंग बोला जाता है डेफिनेटली right. uh, मेहनत तो वो करते हैं बॉडी uh, मैंने भी उनको पहले एक दो बार योगा का मैं जाती थी ट्रेनिंग पे तो हम लोगों ने किया हुआ है साथ में काम पर इम्पोर्टेंट इज अ ग्रेट ह्यूमन बींगना तमन्ना तमन्ना बहुत डिसिप्लिन है मुझे तमन्ना की सबसे अच्छी बात लगती है कि वो बहुत डिसिप्लिन है hmm.

सो फॉर वुमेन जैसा आपने बोला है मुंतेनेमो असल फीमेल ट्रैनर्स उड़ेवादा कषमें बट इपू ट्रेंड मारी फीमेल आलो चूसिंग फीमेल ट्रेनर्स एंड बिकॉज वी हव अ लॉट आफ पेशेंस इवन मैन आर लुकिंग फॉर्वर्ड फॉर फीमेल ट्रेनर्स इन फिटने तो uh, अगर फीमेल uh, ट्रैनर्स का इफ यू वाट टू गिव अ टिप और अजेस टू फीमेल ट्रैनर्स वीमेल ट्रेनर्स को यही कहूंगी कि आप ये मत सोचो कि ये आदमी जो जिम में ट्रेन कर रहा है ट्रेनर वो आपसे बढ़ के है या ज़्यादा है अगर हम फिटनेस में हैं तो हम सब एक ही जगह खड़े हैं ये सिर्फ जितना हो सके सीखो जितना हो सके अपनी फिटनेस का ध्यान दो क्योंकि हम कभी कभी ट्रेन करते करते अपनी फिटनेस भूल जाते हैं मैंने बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई है इसमें और अपनी हेल्थ को कभी नहीं छोड़ा है तो मैं जितनी भी फीमेल जो फिटनेस हैं जो इस करियर को चूज़ करना चाहती हैं या जो इसमें आना चाहती हैं जो जिम में ट्रेनर हैं उनको यही कहूँगी कि अपने आप को कम मत समझो मैंने देखा है ये जिम में जो फीमेल ट्रेनर होती हैं उनका देखा है कहीं वो अपने आप को अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान दोगे अपना बॉडी बनाओगे क्रिएटिव होगे लर्न एंड डू समथिंग ऑटोमेटिकली आपको कभी वो प्रॉब्लम नहीं होगा और जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे So, हिम्मत मत हारो अब तो फीमेल फिटनेस बहुत हो गई है जस्ट गो फॉर इट और लास्ट क्वेश्चन किरण जी ये जो अभी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं उन लोगों उन लोग पीटी रखना चाहते हैं करना भी चाहते हैं बट दे डोंट नो व्हाट हु विल बी द राइट पीटी तो हाउ टू चूज द करेक्ट पर्सनल ट्रेनर सी वो बहुत मुश्किल है चूज करना क्योंकि हम सब एक ही जगह बैठे हुए हैं अब जो एक सिंपल इंसान आएगा एक हाउस एक, एक आदमी आ रहा है उसको नहीं पता रहेगा कि कैसे हो रहा है सबको पता नहीं लगती है ये बात उसको तो पता है कि जिम में ट्रेनर और हमें सही ट्रेनिंग देगा कौन सही है कौन गलत है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है आ, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस भी आ गए हैं बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं उनकी स्टोरीज़ उनका सोशल मीडिया उनका बात करने का तरीका उससे शायद हम काफ़ी बार अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ही एंड शी कैन ट्रेन यू नो ऑनेस्टली एंड गुड अच्छा सजेशन देगा तो uh, इस तरह से हम लोग पर्सनल ट्रेनर उनका उनके रिजल्ट्स जो उन्होंने दिए हैं और किस तरह की वो स्टोरी पोस्ट करते हैं या किस तरह से वो सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं हाउ दे ट्रीट स्टूडेंट्स उस तरह से शायद हम चूज़ कर सकते हैं पर्सनल ट्रेनर को ओके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इट वॉज वेरी लवली योर वेरी एक्टिव इंडिपेंडेंट स्वीट सो वी आर हैप्पी टू हैव यू इन आर शो मजल वुमेन सो हम हम अभी पहले एपिसोड किया है तो मजिल वुमेन के लिए कुछ बताइए अच्छे से uh, मैं आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट है ऐसा बहुत कम होता है मसल वुमेन एक शो बनाया जाए बहुत कम है लेकिन अब ये अगर चालू हुआ है तो डेफिनेटली आई लव टू सी अदर वुमेन आल्सो मसल वुमेन तो ऑल द बेस्ट फॉर योर शो Thank you so much, Kiranji. It was you very you so lovely much. talking to you. Thank you. Hi, this is Kiran Demla, celebrity fitness expert. Please subscribe. I dream. Don't forget. Hi, this is Isha Jabra. This is Manara Chopra. Hi, this is Karthikeya. I'm director Tejaani. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to i Drink.